नहीं नहीं हाँ बना रहा जाए। आप देख सकते हैं पिक्चर्स में बजरंग, जितेंद्र, संगीता, दिनेश, तमाम अच्छी साफ समझ में आ रहा है। और साथ ही साथ ये जो भी लड़ाइयाँ होंगी, जो भी दावपेच होगा, उसके लिए भी हम तैयार हैं। मीडिया के माध्यम से भी लोग और जागरूक होंगे, पर आप लोग, मुझे नहीं पता आप लोग भी टीवी पे इतना कम दिखा रहे हैं। अब की बार यहाँ पे तो आप खूब भीड़ है, पर टीवी पे आप लोग भी कम दिखा रहे हैं। किस चीज़ का दबाव है आपके ऊपर भी हम, मुझे नहीं पता इस चीज़ का, तो लेकिन टीवी पे आप लोग भी अब की बार कम दिखा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और खूब लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया और आगे सुनवाई भी हो रही है, उसके बावजूद भी धरना प्रदर्शन जरूरी है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने संज्ञान में लिया और हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारे साथ न्याय करेंगे। और जब जो हमारे लीगल टीम है उनका जो निर्देश होगा, उसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। जब हमारे साथ हमें न्याय मिल जाएगा तो हम आराम से उठ के चले जाएंगे। अगर हम दोषी हैं तो हम सजा भुगतने के लिए भी तैयार हैं। बजरंग फोर्सेस का कहना है कि जो पूछताछ हुई थी, पहले कमेटी ने जो पूछताछ की थी, उस पूछताछ की पूरी वीडियोग्राफी हुई थी, वो सोर्सेज पता नहीं हमारे पास क्यों नहीं है। वो बोल रहा है कि मैं साफ छवि का आदमी हूँ, लेकिन वो जो हमारी विक्टिम, उनको दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, पैसे की वो लालच दिया जा रहा है। ये कौन से शरीफ लोगों के काम है? मुझे तो नहीं लगता ऐसे शरीफ लोग तो हम हैं। यहाँ बैठे हैं, सुबह ट्रेनिंग कर रहे हैं, पूरा दिन यहाँ बैठे रहते हैं। हम तो किसी को मनाने के लिए नहीं जा रहे। अभी सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रहा है, दीपेंद्र हुड्डा को आप लोग अध्यक्ष बनाना चाहते हैं कुश्ती संघ का। हमने तो नहीं चलाया, आप लोग कुछ भी चला सकते हो। आप बात करके जा रहे हो, आप तो टीवी पे भी नहीं चला रहे, तो आप लोग कुछ भी चला सकते हैं। पर मुझे नहीं लगता, आप लोगों ने जो सही कहा, आप लोग खूब सपोर्ट कर रहे हैं हमें, पर पता नहीं यहाँ पे तो इतना आप कवर करके जा रहे हैं, पर हमें बाहर से पता चल रहा है कि आपकी बार मीडिया भी बहुत कम कवरेज दे रहा है आप लोगों को। बजरंग, कल ब्रजभूषण सिंह से जब पूछा गया कि तमाम पहलवान जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, आपका इस पर क्या रुख है, तो उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रही है, लेकिन उन्होंने खारिज करते हुए, पूरे खारिज करने के मूड में थे। उस पर उनका मूड आपने कैसे पढ़ लिया कि वो खारिज करने के मूड में थे? वो तो सुप्रीम कोर्ट बताएंगे कि भाई कौन दोषी है, कौन नहीं है, तो उनके बोलने से कुछ नहीं होगा कि भाई मैं साफ हूँ, मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की। आपने कभी उनसे पूछा कि आपके पास कोई सबूत? आपने कुछ नहीं किया, तो ये चीज़ें आप उनसे भी पूछिए कि आपके पास, और उनका टेस्ट करवा लीजिए, खिलाड़ियों का करवा लीजिए, अपने आप ही पता लग जाएगा। 7 लड़कियाँ नहीं, बहुत सारी लड़कियाँ हैं, बहुत सारे